gonna come round now. Stay around 5:30. Stay until the morning, then I carry on and live my hollow life. Did you really take my soul? Came and then you left a hole. Shot me in the late night, but you had a brain sack. You got your desires, always starting fires. हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो? गेस व्हाट, आज हम आ गए स्की करने के लिए वर्ल्ड की बेस्ट रिनोन जगह रेवलस्टॉक रिसोर्ट पे। आज संडे है, धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई है, ठंड भी बहुत कम हो रही है। यहाँ के डे पास की बात करें तो वो है $179 पर डे, लेकिन अभी ईयर एंड चल रहा है तो हमें थोड़ा डिस्काउंट मिल गया। इनिशियली वी वर प्लानिंग टू गेट इंटरमीडिएट ट्रेनिंग लेसन फॉर द स्की, बट इट वाज ओनली अवेलेबल फॉर 1-3, सो वी काइंड ऑफ डिसाइडेड टू स्की बैक एंड ट्राई इट ऑन आवरसेल्फ। लेट्स सी, अगर आप नए हो एंड आपके पास स्की के इक्विपमेंट नहीं है तो आप यहाँ से रेंट भी कर सकते हो। अगर रेंटल की बात करें तो यहाँ पे जो बेसिक कॉम्बो होता है वो $55 का होता है। उसमें आपको हेलमेट मिल जाता है, स्की शूज़ मिल जाते हैं, स्की मिल जाते हैं एंड स्टिक्स मिल जाते हैं। एंड अगर आप हमारी तरह बिल्कुल ही नए हो और आप ज़्यादा गिरने वाले हैं, आपको पता है, तो आप स्नो पैंट्स भी ले सकते हो, जिसकी वजह से आपके जो ट्रैक और जो पैंट है वो गीला ना हो जाए। एंड यहाँ पे और भी इनके पास ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे ग्लोव्स अगर किसी को लेनी है, ग्लासेस वगैरह लेनी है, तो वो आप कार्ट में ऐड करा सकते हो। बहुत हार्ड, काफ़ी हैवी मटेरियल है ये, किसी के सर पे मार दो ना सर फूट जाएगा। ऑलरेडी मैन, अभी सारा रेंटल भी ले लिया है, डे पास भी ले लिया, अभी गंडोला में बैठ के ऊपर जाता है स्की करने के लिए। चलो यहाँ तक कार आती है, यहाँ से आगे हम नहीं जा सकते। शुरुआत सबसे यहाँ से की थी, फिर हम पहले गंडोला में बैठ के यहाँ फर्स्ट बेस पे आए थे और फिर वहाँ पे अभी फ़िलहाल कुछ है नहीं तो हम लोग वहाँ से सेकंड बेस पे गए थे जो है मैकेंजी आउटपोस्ट, और वहाँ पे हम लोग अभी स्की कर रहे थे थोड़ी देर से काफ़ी। और अभी हम लोग आगे जाने की सोच रहे हैं, यहाँ पे वो है स्टेलर पे।
अगर यहाँ से किसी को आगे जाना है तो आपको यहाँ पर रिपल लेनी पड़ेगी, लेकिन वो एडवांस लोगों के लिए, वो तो हम आज प्लान नहीं कर रहे जाने की। लेकिन आपको अगर वहाँ से भी ऊपर जाना है, जो आप देख रहे हो 8000 फीट पे सब पिक वगैरह पे, तो वहाँ पे 2-3 स्पॉट है जहाँ से आप स्कीकर से आ सकते हो, लेकिन वो हद से ज़्यादा स्टीप है और बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है। वहाँ पर गंडोला भी नहीं जाता, आपको चॉपर लेना पड़ेगा वहाँ जाने के लिए, एंड वो तो मतलब लाइक आय हाय 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 स्कैरी स्कैरी है। मजा आ गया साहब, इतना एडवेंचरस फील हो रहा है, वो क्या कहते हैं एड्रेनालिन रश तो इतना आ गया है ना, जैसे कोल्ड शावर लेके आता है ना सुबह में, ये कुछ मस्कुलिन कर दिया आज, ऐसा फील आ रहा है एकदम। अभी हम लोग आ गए नीचे लाबा गेट में। यहाँ पे रेवलस्टोक में बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है, इनके दो लोकेशन है, एक है रिसोर्ट के अंदर और दूसरा रिसोर्ट के बाहर। कभी ट्राई नहीं किया तो चलो आज ट्राई करते हैं। एंड भूख तो जो तगड़े वाली लगी है, सुबह के 8 बजे के निकले हुए थे हम घर से बिना कुछ खाए हुए, तो यहाँ पे आके देखते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं और मज़ा करते हैं। आय हाय हाय, खाना तो एकदम सजा के दिया हुआ है ऊपर ऐसे ऑरेंज लगा के, आय हाय मज़ा आएगा। एंड अगर यहाँ पे अगर किसी को रहना है तो यहाँ पे हाउसेज है जो मतलब पूरे मैंशन वाले हैं, बड़े बड़े से। यहाँ पे ये जो बीच में आप जो घर देख रहे हो ना ब्राउन कलर का, ये अभी सेल पे लगा है 7 मिलियन पे। अगर किसी को रेवल स्टॉक में आना है तो आ जाओ, मज़ा करेंगे। एंड अभी ऊपर जाते हैं, खाना तो काफ़ी खा लिया है तो थोड़ा एनर्जी ड्रॉप आ गया है, लेकिन अभी देखते हैं ऊपर जाके कैसा होता है। Thank you.
फाइनली इस कीड़े खत्म हो गए। बोलो भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस आज का, बताओ जरा। बहुत बहुत मजा आया यार, मेरा तो फर्स्ट डे था, जाते ही पहले तो 3-4 गुलाटियां खाई दोनों ने, पर सीन हो गया था। उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। पहले तो टेक्निक स्विगी लोगों को देखा, ऑब्जर्व किया, कोई जा नहीं रहा था तो हमें ऐसा लगा कि शायद ये तो बंद होगा, कोई जा नहीं रहा, अभी आगे आएगा और इजी वो वाला मिस कर दिया। फिर उसके आगे चले गए, फिर पता लगा इजी वाला तो पीछे चला गया और आ गए सबसे स्केरी वाले। गलती से इतनी स्पीड में हम चले गए, एक सेकंड के लिए तो भगवान खुद दिख गए मेरे को, जो ब्रेक ही नहीं लग रही थी। फिर वहां पे भी एक और गुलाटी खाई। ब्रो यहाँ बैठते हैं, अच्छी जगह है ब्रो, पीछे जगह तो देखो। जब यहाँ पे समर में पूरा पैटियो शुरू हो जाएगा ना, फिर मजा आ जाएगा जिंदगी का। अरे शिट यार, माइक तो लगाना ही भूल गया मैं। गाइस चला लेना अगर थोड़ी सी नॉइस पीछे आ रही है तो। बहुत अच्छी वाइब बनाई, इसे ये लोग मैकेंजी विलेज कहते हैं। यहाँ पर रेवलस्टोक में सबसे महंगे घर और सब कुछ, मतलब वो जो होती है ना पॉश लेवल का, तो वो यहाँ पे होता है रिसोर्ट के बिल्कुल बाहर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।